3, 2, 1. महाराष्ट्र में सरकार की नीतियों के खिलाफ और कर्ज माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे 30,000 से अधिक किसान नासिक से मुंबई पहुंच चुके हैं। वहीं राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के साथ वार्ता के संकेत दिए हैं। फडणवीस ने किसानों से अपील की है कि वह शहर का यातायात प्रभावित न करे। राज्य में चल रही 10वीं की परीक्षाओं को लेकर छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फडणवीस ने कहा कि हम किसानों के साथ बातचीत करने और उनकी मांगों पर विचार करने को तैयार है। सीएम ने कहा कि किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए मंत्रियों की एक कमेटी का गठन किया गया है। 80 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में शुरू में 12,000 किसान शामिल थे, जिसमें अब 30,000 से ज्यादा किसान शामिल हो चुके हैं, जो किसानों के बीच असंतोष की तीव्रता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, जिस तरीके से किसान इससे जुड़ रहे हैं, अपने गंतव्य तक पहुँचते पहुँचते विरोध प्रदर्शन में शामिल किसानों की संख्या 95,000 से 60,000 हो जाएगी। AIKS के प्रमुख मांगों में ऋण का पूर्ण अधित्याग और कृषि लागत का 1.5 गुना लाभ दिलवाना शामिल है। ये किसान MA स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं, जो उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करता है। आंदोलनकारी किसान आंधी तूफान और पीक वार्म से फसलों के हुए नुकसान के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे, किसानों को खेती के तहत वन भूमि का आवंटन और वन्य अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन करने की मांग कर रहे हैं।